उन डैश में हमारे को उसको रिव्यू कराना पड़ता है ना, ये भी समस्या है। तो आप अपना क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नोट करें, लिखे मैं बोलता हूँ। द स्टेट लेवल फुटबॉल, वैसे ऐसे बंद कर दो और बोलो ना, कोई लिखे ना, तो अभ्यास भी हो सुन कर लिखने का भी, इसका मतलब ये है। तो मैं तो वैसे लिखा तो वैसे कहता, टॉपिक ये है, टॉपिक का नाम ये है, ये टॉपिक पर आपको लिखना है। बात करो द स्टेट लेवल फुटबॉल FOOTBALL फुटबॉल टूर्नामेंट TOURNAMENTS टूर्नामेंट्स आर करेंटली CURRENTLY करेंटली being held in your school playground in your school playground full stop your school team is playing the final match your school team is playing the final match next week full stop being the sports is कैपिटल होगा यहाँ पर SPORTS स्पोर्ट्स सेक्रेटरी SECRETARY सेक्रेटरी कोमा बीइंग द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कोमा ड्राफ्ट ए सूटेबल SUITABLE suitable notice in about 50 words full stop request about 50 words requesting the students to support the teams ठीक है, यानी आप तो अपने मन से बनाओ, कैसा बनाओ इस क्वेश्चन के अनुसार जिसको आता है, वरना अब यहां समझो थोड़ी सी बात को, क्वेश्चन में क्या तो दे रखा है और क्या नहीं दे रखा, यानी आप ये जो आयोजन है पहले किसका आयोजन किया जा रहा है, यहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट का एक बात क्लियर है, यानी जो आपका विद्यालय का विषय जो फंक्शन किया जा रहा है, इवेंट जो है विद्यालय में आयोजित की जाने वाली ये इवेंट जो है वो क्या है, फुटबॉल टूर्नामेंट, और कौन कर रहा है, कहां हो रहा है, ये आपके विद्यालय के प्लेग्राउंड पर आपके विद्यालय का नाम यहां पर नहीं दे रखा, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि विद्यालय का ही कार्यक्रम है तो विद्यालय का नाम सबसे पहले, समझ गए। नेक्स्ट बात, तुम्हारा जो तुम्हारे विद्यालय की टीम है वो टीम क्या करेगी, फाइनल मैच को खेलने वाली है, यानी वो अंतिम मैच वही खेलेगी, अतः आप एक किसके रूप में, आपके विद्यालय के खेल सचिव स्पोर्ट्स यानी खेल
और सेक्रेटरी यानी सचिव, खेल सचिव के रूप में आप क्या लिखना है, एक नोटिस तैयार करना है। नोटिस में सूचना क्या देनी है कि आपके विद्यालय के इन खिलाड़ियों के अतिरिक्त जितने भी विद्यालय में आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट क्या करें, उसी विद्यालय में उपस्थित हों, यानी खेल के मैदान की उस प्लेग्राउंड पर उपस्थित हों और वो क्या करें, उस टीम को सपोर्ट करें। अब सपोर्ट कैसे, ये नहीं मतलब समझ रहे हो, मजाक की बात समझे, कैसे भी सपोर्ट करो, समझ रहे हो ना क्या होता है, ऐसे नहीं भाई तू बल्लो पकड़ में जोर लगाऊ पीछे कर, ये नहीं है। सपोर्ट का मतलब है कि जब ऐसा लग रहा हो कि विकेट जा रहे हैं तो आप उनका मोटिवेशन करें आवाज के द्वारा, कहकर कि नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बचा हुआ है, सब पूरा खेल हमारे हाथ में है, हार नहीं लग रहे हैं, पर फिर भी हमारी बातों से ऐसा लग रहा खिलाड़ी को सुन करके कि अरे तू जीत रहे, ठीक है ना। तो यानी इस प्रकार से क्या करना है, खिलाड़ियों को सपोर्ट करने। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पुनः रिपीट करता हूँ किसके लिए, फिक्स वाले नोटिस के लिए। तो फिक्स वाले नोटिस के लिए टीना जरा बता मुझे पहले क्या क्या लिखे यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखना है, संस्था का नाम, यानी संस्था का नाम हमारा कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी संस्था का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि आपके विद्यालय में है, बाकी विद्यालय का नाम लिख से नहीं है। तो आप सब अपने अपने नोटबुक क्या करें, एक संस्था का नाम यहाँ पर आप नोट करें, जैसे मैंने नाम भी कर दिया विराट सीनियर सेकेंडरी, विराट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विराट नगर, विराट नगर, हाँ भाई अब बताओ खेल का जो कार्यक्रम है वो कब होना चाहिए आपके विद्यालय में, छुट्टी में तू जाए खेलने के लिए कमाने कौन जाएगा फिर, हाँ। की बात है कि खेलने का काम हम मोस्ट ऑफ कब करते हैं, ये आपको पता है विद्यालय स्कूल जो स्कूलों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल टूर्नामेंट होते हैं तो कब होते हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में ही होते हैं हमेशा, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट को पता होता है, ठीक है ना। तो हमने रखा यहाँ क्या, 10 सितंबर, 10 सितंबर 2020, फिर क्या लिखना है, नोटिस सब लिख रहे हैं, नोटिस सबको अंडरलाइन करना है, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, फुटबॉल टूर्नामेंट, तो फुटबॉल टूर्नामेंट दोनों शब्द लिखूं या एक शब्द लिखूं, हाँ तो स्टेट लेवल फुटबॉल, स्टेट लेवल लगा ले, द स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट, यहां भी देखो इस बात का ध्यान रखना है, इसमें तो लिख दिया गया जुगाड़ पानी के रूप में, पर आपको ध्यान रखना है कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि यानी आपके कोई पर्याप्त गैप होना चाहिए, तो गैप नहीं है तो आप यहां शुरू करें और लास्ट ले जाएंगे, ठीक है ना। ये आप जब इतने बनाएंगे तो आपको अभ्यास हो ही जाना है। अब हमें मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं कौन सा वाला, फिक्स वाला, तो फिक्स में पुनः वही बात, फिक्स तो फिक्स है, समझ रहे हो, फिक्स तो फिक्स ही है, फिक्स के लिए कुछ भी माइंड में लगाना नहीं है। तो वही क्या, जरा बोलो भाई, बोली बोली बोलेगी, हाँ ओम, अरे वाह भाई गोरी मार गए, देखिए तो तुमने कुछ नाम लिया था, मैं फिक्स वाला बोल रहा हूँ गोरिया, कौन सा बोल रहा हूँ, फिक्स वाला होता है स्टूडेंट वाला था क्या, तो फिर क्या था, यू ऑल आर इनफॉर्म्ड, You all are informed that क्या our यहां सब लिख लो, अभी आपने और कंसर्न लिखा था और ओरिजिनल लिखा था, आप कंसर्न लिख सकते हैं,
आवर कंसर्न इज, देखो एक बात सुनो, मैं ये आपके लिए लिख रहा हूं, ये आपके लिए लिख रहा हूं, आप तो क्या बनाओ, मनवारा बनाओ आपके विचार के अनुसार, ये तो फिक्स है, इसमें क्या उतार रहे हो, लगाओ थोड़ा वो काम आएगा। मैं इसलिए बना रहा हूं ये कि अभी तक पर्याप्त रिकॉर्डिंग मुझे संतुष्ट नहीं हुई है, ठीक है ना, वहां अक्सर बारीक चीज आप देख दे, अक्सर कैसे खाए पे करके बना रहा हूँ, अभी मरीज थे सर्दियां लग गई, तो आओ भाई मन से बनाओ, और जिसको ये उतारना है उतारने में कुछ है ही नहीं खास, क्योंकि तो वही फिक्स बनना है, ठीक है ना। फुटबॉल टूर्नामेंट्स के अंदर यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट्स एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक टीमों के बीच मैच होंगे यहाँ पर, क्योंकि फाइनल मैच अब यहाँ आप खेलेंगे उनके साथ में और बाकी वहाँ क्या रहेंगे और मैच रहेंगे, ठीक है ना। आर्मी अब बोल रहे हैं एक मिनट सुनो, देखो ये आपका क्वेश्चन इस ये जो लिखा हुआ है वो भी इस पर डिपेंड करता है, इसमें लागू होता है या और यू और, यहां यू और का मतलब किसको ले लिया, सभी विद्यार्थियों, ठीक है ना, यू ऑल आर इनपुट, आप सभी को सूचित किया जाता है, क्या इसमें और जोड़ लो आप इसमें एयर बाई एयर बाय यानी इसके द्वारा, यू ऑल आर इनकोम एयर बाय, आपको इसके द्वारा क्या कहता है सूचित किया जाता है, दैट कि आवर कंसर्न, कंसर्न लिखो चाहे ऑर्गेनाइजेशन लिखो, इज यानी है गोइंग टू सेलिब्रेट ए स्पेशल इवेंट, अब आपके विद्यालय में स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है तो वो बोलो कि स्पेशल इवेंट है कि नहीं है, हर विद्यालय में नहीं होता,
करवाने वाले विद्यालय को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो ये क्या है, विशेष इवेंट है। सो इसलिए दोज हु आर इंटरेस्टेड, अतः जो क्या है रुचि रखते हैं इन इट। अब मैंने यहां पार्टिसिपेट की बात नहीं की क्योंकि हमें पार्टिसिपेट नहीं करवाना है क्वेश्चन में, क्या पार्टिसिपेट नहीं करवाना है, खिलाड़ी तो हमारे फिक्स हैं, हमें क्या करना है उनको सपोर्ट करने वाले अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको खेल के मैदान में मैच देने के लिए बुलाना है। क्योंकि आप जैसे कई जाने होते हैं ना, अपने जैसे आप जो नहीं, मैं अपने जैसे बोल रहा हूँ, मेरे को ले रहा हूँ छुट्टी मिले क्या चला इसको, तो मारे कराए चला मैं तो मैं देख रहा कराई वे कौन सा आठ बार राकेश खेला को मोनू खेला को समझ बात को और देख रहे हैं चतुर्दिन का मैच, तो आज ना देखा तो मैच आज कम कर रहा हूँ तो फिर हम देखा नहीं और गोरी सोच रही होगी नाटक देख लिया है गोरी भाई, क्योंकि उस तक कई नाटक ऐसे होते हैं ना जो दिन में आते हैं और उस वो स्कूल के कारण से मिस हो रहे थे बेचारे, तो उनके लिए तो ऐसा निखाना पड़ता टाइम छुट्टियों के अंदर देखे जाते थे उनके लिए विशेष छोड़ना सोचना पड़ता, हाँ वह दिन तो छुट्टी जा फलाना देखा ही दिखाऊंगा। तो यानी ऐसे तो कह रहे कि आपका मकसद क्या है, आप पार्टिसिपेट नहीं करवाना समझ लो, तो यानी इसको आप लिखते हैं पुनः लिखते हैं तो आपका ये और सुटेबल है, हर बार एक नया रूप लेता है, कोई बात निकल करके ही आती है। तो कह रहे इन इट तो मीट वो क्या करें मिले टू द अंडर साइन नीचे हस्ताक्षरी थे नीचे हस्ताक्षरी से विद इन के अंदर थ्री डे तीन दिन के अंदर द इवेंट जो कार्यक्रम जो है विल बी ऑर्गेनाइज उसका आयोजन किया जाएगा एज पर शेड्यूल, यानी जो जैसा शेड्यूल बनाया गया है पहले से फिक्स प्लान किया है योजना के अनुसार कार्यक्रम निश्चित किया जो गया है उसी के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सिग्नेचर नाम हमने नहीं दे रखा था, हमें नाम लिखा हमें सिर्फ क्या रखा था पद का नाम, तो वो पद का नाम लिखा दिया नीचे लिख दिया ताकि अगर उसे सीधे संपर्क करें। आप देखो बात सुनो ये तो था हमारे एक वैसे क्या फिक्स वाला, अब पिक वाले भी इस बार हमने सब तक क्या किया है एक सब कह रहे हमने यहाँ पर ए आर बाई, तो आप भी वहां अपने पिक्स वाले करा लें ए आर बाई सब उसमें आप नोटिस कर लें। दूसरी बात आपने वाले कहा था टू पार्टिसिपेट भी कहा था भी बार पहले वाले में ना, आप पार्टिसिपेट की क्या करेंगे वहां पर इन इट क्या रखेंगे वहां पर इन इट रखेंगे, क्योंकि हर किसी नोटिस में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है समझ रहे हो आपको, तो इंटरेस्टेड इनिट अब इनिट यानी किस प्रकार से इंटरेस्टेड है, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इंटरेस्टेड है या देखने के लिए इंटरेस्टेड है या उसके बाद जाने के लिए इंटरेस्टेड है, जैसे भी इंटरेस्टेड है वो चल जाएगा यहाँ पर इनिट से ठीक है। अब यहाँ बात सुनो अगर यही आप क्या करना है पर्सनल क्वेश्चन के अनुसार लिखना है तो आप क्या लिखोगे, पर्सनल क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखना है तो आप क्या लिखोगे क्या आपको पता है समझ रहे हो, यानी क्या लिखेंगे हम सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय दिनांक इतने को क्या फाइनल फुटबॉल मैच खेलने जा रहा है, हमारे विद्यालय में दिनांक इतने से इतने तक किसका आयोजन किया जा रहा है राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया। देखो ये दोबारा से सुनेंगे हमारे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय दिनांक इतने से और इतने तक राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है, हमारा विद्यालय दिनांक इतने को क्या करेगा फाइनल फुटबॉल मैच खेलेगा, अतः विद्यालय के सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्या करें विद्यालय के प्लेग्राउंड पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर क्या करेंगे खेलने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे उन्हें सपोर्ट करेंगे। आपका धन्यवाद, ये आपकी भाषा होनी चाहिए, इसी भाषा को आप अपने कॉपी में उतारेंगे भी समझ लो, मैं भी देख के ही भेजूंगा आपको ध्यान रखना, देखने का काम नहीं है एक क्वेश्चन लिखा तो आपको कल पर टीप की बदला ना ठीक है ना, कोई पता कौन सा है क्योंकि ऐसे मत करना टेस्ट तुम्हारा आया तुमसे घर अभी खुश होगा ठीक है ना। नेक्स्ट किस बारे में मतलब
हाँ तो पी जमा करा रहे हो उसको लिखेंगे ना, तो पे वो बता दो पेपर कौन सा है, मॉडल पेपर हो कौन सा भी। उतार उतार इसको उतार नहीं उतार लग रहे कौन से में नौ में पे नंबर हो बावन बावन नौ पे यानी लिखो लिखो किसे लिखो आप अभी किसे लिखो योवर स्कूल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप Your school has decided. Your school has decided to arrange. Has decided to arrange a double R A N G E. Arrange a medical M E D I M E D I C A N. Medical checkup. C H E C K. सी एच ई सी के और हाइपन यानी माइनस वाला चिन्ह और अप चेकअप फॉर द स्टूडेंट मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू अरेंज ए मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट फुल स्टॉप ड्राफ्ट ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर Draft a notice for information to the students, for information to the students in about 50 words. Question में क्या समझा क्या नहीं समझा बात को समझें बात वही हो रही क्या योर स्कूल विद्यालय नाम इधर का इसका मतलब हमारा विद्यालय नाम क्या होगा काल्पनिक होगा और विद्यालय में किसका आयोजन किया जा रहा है अभी मेडिकल चेकअप तो मेडिकल चेकअप क्या हो गया आपका टॉपिक का नाम हो गया मेडिकल चेकअप कभी भी हो सकता है कोई फिक्स नहीं है समझ गए जून मई कभी भी एनी टाइम समझ लो पर बात यहाँ पर यह है कि मेडिकल चेकअप की क्या किया जा रहा है पर्सनली स्टूडेंट्स का तो स्टूडेंट का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है इसका मतलब एक बात को शोर है कि विद्यालय का ये क्या होना चाहिए रनिंग टाइम होना चाहिए रनिंग टाइम कौन सा होगा मई और जून के महीने को छोड़ करके दिसंबर जो एग्जाम का टाइम है उसको छोड़ करके मार्च का महीना जो एग्जाम का टाइम है उसको छोड़ करके और अप्रैल का महीना इन तीन महीनों को छोड़ करके आप कभी क्या कर सकते हैं इसका आयोजन करवा सकते हैं ठीक है तो आपको ये क्या क्या लिखना है तो जैसे मैं आपको ये भाषा में बोल दूं तो एक के लिए विद्यालय की यानी सभी विद्यार्थियों को ये कह दें विद्यालय के विद्यार्थियों को सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय दिनांक इतने को मेडिकल चेकअप की व्यवस्था करने जा रहा है अतः सभी विद्यार्थी अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए विद्यालय में उपस्थित होंगे दो सेंटेंस लिखने ओनली ठीक है जो विद्यार्थी आगे लिखवाए जो विद्यार्थी अपने लिख सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय दिनांक इतने को सभी विद्यार्थियों के लिए मेडिकल चेकअप की व्यवस्था करने जा रहा है अतः वे विद्यार्थी जो इस मेडिकल चेकअप में भाग लेना चाहते हैं या कहें कि जो मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं वे नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति से दिनांक इतने तक मिले और क्या संपर्क करें कॉन्टेक्ट करें मिले और अपना नाम वहां पर देवे ठीक है लिख दिया नीचे वही सिग्नेचर सब नाम और उसका पद तो जान ना तो कोई पद दे रखा है ठीक है ना तो कोई पद दे रखा है ना कोई नाम दे रखा है इसका मतलब हुआ कि आप देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में टीचर उसका एक पद तो
एक प्रिंसिपल पद होता है, दूसरा फिर पीटीआई या शिक्षा पीटीआई का जो पद होता है वो मोस्ट ऑफ इस प्रकार के कार्यों क्या करता है, आयोजन कराता है। तो आप क्या कहेंगे, विद्यालय में वहां पीटीआई से नाम आयोजित, नाम जो है पद के नाम में वहां का आप लिख देंगे। इसके अलावा तो क्वेश्चन बचे हुए इसमें बताओ कौन सा है, अपना जो वादा तो पूरा करने तो पूरे करेंगे ना। फिर नेक्स्ट कल आपके पास चेक करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेंगे हमारा इनविटेशन का। कहां होगा भाई, तुमने 9 यूनिट लिखवा दिए इसने, 10 तो इसमें पूरे ही है। कोई और हो गए इसमें सब, ये पूरे हो गए सबके? हाँ एक और पता नहीं, बताओ। अब हम पहले क्या करेंगे, कंप्लीट संजीव को ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। एक्सलेंट पास, एक्सलेंट को स्किल प्रूव होने के बाद भी, ठीक है, दोनों का मिक्स नहीं होगा और वो भी जाएगा, दो बने बैच में जाएगा। कोई ऐसे बंदे भी तो होंगे कि महान वो भी तो, कि अभी तो एग्जाम बहुत दिन बाद पड़े जाए, देखा ना सोचाना, तो ऐसों के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। है कोई नहीं है ना, 105 पेज पर देखने में क्या है। अच्छा अभी 10 फेब्रुअरी बाइस पर अपने इसमें हो ना, हाँ भाई चोरी को क्वेश्चन नोट करें। राइट ए नोटिस, राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, इन अबाउट 50 वर्ड्स, इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल, for the students of your school to deposit, to deposit, to deposit their examination fees, to deposit their examination fees latest, latest, latest latest by लेटेस्ट बाय 31st, लेटेस्ट बाय 31st अक्टूबर, 31st अक्टूबर 2020 फुलिस्टो। अब यहां बात ध्यान रखनी यह है कि हमारा जो क्या था फिक्सर नोटिस था वो इस पर लागू नहीं होता, यानी ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे फिक्स वन नोटिस के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा अलग से नोटिस लिखना पड़ेगा। आप अपने मन से बिना अपनी समझदार दिखाए हुए, कौन सी समझदारी, कमी वाली समझते ना, कमी वाली समझदारी दिखाए के दिखाए बिना ही क्या करना, इन तीनों को बना के लाने का प्रयास करना। इसको मैं पर्टिकुलरली आपको याद करवाऊंगा ही करवाऊंगा, कौन सा वाले को, फीस वाले, ठीक है ना। तो फीस का हो जाएगा इसमें, फीस वाले में डॉक्यूमेंट्स के लिए भी कर देंगे, ठीक है ना, फीस और डॉक्यूमेंट्स, फीस दोनों प्रकार की फीस हो गई, फीस चाहे स्कूल फीस हो चाहे एग्जाम फीस हो, जो भी फीस होगी वो वहां पर बात कर लेंगे, ठीक है भाई। आपका नोटिस का टॉपिक ऑलमोस्ट क्या हो गया हमारे लिए, खत्म हो गया, ठीक है। और बात सुन लेना पहले ही, अब अगर नोटिस के टॉपिक में मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि टेस्ट आज का होना था अपना वैसे तो टेस्ट, पर आपका मंडे का टेस्ट रहेगा, तो टेस्ट में जो मैं टॉपिक फड़ा दिए ना उस टॉपिक से मैं कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता हूं। तो यानी चाहे आप या तो फिक्स वाले का प्रयोग करें या फिर आपके दिमाग से लिखने का प्रयास करें। तो आई थिंक मैं तो ये मानूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, जिसको लिखने का अभ्यास हो गया है, लिखना सीख लिया है, वो तो अपने मन से लिखे, और जिसको क्या करना है एक ही रटना है सेम, तो फिक्स वाला लिखे, पर उसमें ध्यान रखें 30 वाला एग्जाम के जो डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए इन सबका वो लागू नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेस्ट भी ध्यान रखिए कब का है, मंडे का।
ओके धन्यवाद। देखो मैंने आपको कल लिखवाया था किसके बारे में कि एक तो मेडिकल चेकअप का देखो बात करते मैंने आपको हमारे नोटिस जो चल रहे थे नोटिस में से हमारे नोटिस एक नोटिस तो किसका था मेडिकल चेकअप का ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मेडिकल चेकअप का। तो यानी एक सेंटेंस तो हमारा नोटिस के दौरान हमेशा फिक्स रह गया कौन सा ऑल द स्टूडेंट्स क्योंकि स्कूलों की बात हो रही है ऑल द स्टूडेंट्स आर इनफॉर्म्ड सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो किया जा रहा है जिस चीज का वो आप लिख दिया यानी प्रत्येक के लिए मैं एक सेंटेंस लिख दूं तो आप डायग्राम बना लोगे आप डायग्राम तो बन ही जाएगा। डायग्राम से पहले बार आगे की बात करता हूं मैं जिसे मैंने कहा ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स आर इनफॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स आर इनफॉर्म सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। हाँ चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए वाई लिख लेता हूँ ए आर बाई इसके द्वारा ऑल द स्टूडेंट्स आर इनफॉर्म हेयर बाई दैट कि क्या आवर स्कूल हमारा विद्यालय इज यानी है इज गोइंग टू क्या ऑर्गेनाइज आयोजन करने जा रहा है। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अब आपका इस ऑर्गेनाइजेशन सबके आगे जो है वो हम क्या लिखेंगे टॉपिक का नाम लिख देंगे ठीक है। जैसे हमारे पास में पहला कर ले लिया किसके लिए मेडिकल चेकअप के लिए तो मैंने यहां क्या लिख दिया ए क्या मेडिकल ए मेडिकल चेकअप। अब आप इस मेडिकल चेकअप जो है आपका कब होना है उसकी क्या लिख दो तारीख जैसे मान लो आपने वह ऊपर दिनांक लिखो पर तो एक दिनांक वो दिनांक और इस दिनांक में कम से कम कितने का टाइम होना चाहिए चार से पांच दिन का आप टाइम इसमें रखते हैं। तो कह रहे थे आपने कि क्या ऑन 25 जनवरी और 2020 और हमने यहां आगे लिखा क्या संडे। अब इसमें आप चाहो समय दे दो फ्रॉम यानी से कहां से कब तक है फ्रॉम कहां से जैसे हमने सुना है फ्रॉम टाइम 10 AM to तो ध्यान रखना फ्रॉम के साथ हमें से क्या आता है फ्रॉम 10 AM to 5 क्या AM PM पक्का है ना देख रहे ना कहीं गलती कर रहा हूं ध्यान रखा लिख दिया आपने। तो ये मेडिकल चेकअप कैंप के लिए था तो मेडिकल चेकअप कैंप में आपने क्या क्या चीज कह दी यानी यहां तक का आपका फिक्स था ही फिक्स था हर किसी में आएगा। उसके बाद आपने क्या लिखा टॉपिक का टॉपिक में आप हमेशा एक ही भाषा मत चलो वो भेड़ चाल मत चलो भेड़ क्या होता है भेड़ को पता नहीं होता अगर भेड़ एक भेड़ कुएं पड़ गई ना आगे से तो दूसरे में कोई नया कुछ होगा मिल गया होगा चल अपन चलते हैं ले आएंगे तो पूरी क्या होती है रियली बता रहा मैं भेड़ों का ये होता है भेड़ ऊपर ही देखती भेड़ क्या करती है आगे चलने वाली भेड़ की गंध को सूंघ कर जाए चलती है कभी ना भेड़ की मृगत हमेशा ऐसे रहती है कभी अगर देखा होगा चलने भेड़ों चलते नोटिस कर लेना कभी ठीक है। तो ये हुआ बात तो कह रहे हैं मेडिकल चेकअप कैंप कितनी तारीख को होगा कितने किस दिन को होगा कितने बजे से कितने बजे बीच में होगा।
फिर हमने अब यहाँ ऐसे नोटिस में क्या कहना चाहेंगे कि वे विद्यार्थी जो अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं, या तो सीधे इतना कह दो कि वो जो विद्यार्थी अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं वे विद्यालय में इतने बजे से इतने बजे के बीच में पहुंचे फ्री, या फिर इतना कह दो कि वे विद्यार्थी जो अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं वे नीचे हस्ताक्षरित को अपने नाम देवे, ये भी चल जाएगा क्योंकि मेडिकल चेकअप करना था तो फिक्स हो गया भाई इतने विद्यार्थी है हमारे साथ, इतने विद्यार्थियों को क्या करना है मेडिकल चेकअप करना है, तो डॉक्टर से उसी प्रकार से आएंगे टाइम से आना, जो व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ करने की बातें, तो आपको जैसा आपका टॉपिक है टॉपिक के अनुसार चलेंगे हम। तो देखो तो कह रहे हैं कि भाई साहब विशेष को सुन लेंगे यहाँ पर क्लोज के सेंटेंस इस वाले वाक्य में इसकी क्या अवस्था पढ़ते हैं, क्लोज के सेंटेंस क्या अवस्था पढ़ते हैं, क्लोज के सेंटेंस कैसे हो ये कुछ सीधा समझना। सो अतः, सो तो एक अलग बात हो गई, सो अतः द स्टूडेंट्स, सो द स्टूडेंट्स अतः विद्यार्थी, सो द स्टूडेंट्स हु, सो द स्टूडेंट्स हु वांट या विश, हमें कहा वांट टू चेक अप, वांट टू चेक अप, ये नहीं पार्टिसिपेट नहीं करना इसके अंदर, पार्टिसिपेट करना क्या होता है उसमें अपनी भूमिका निभाना, यहाँ भूमिका निभाएंगे थोड़ी कि डॉक्टर को हम स्वीप कराएंगे वो काम नहीं है, यहाँ हमें अपना चेकअप करवाना है, ठीक है ना। सो द स्टूडेंट्स अतः विद्यार्थी हु जो वांट चाहते हैं टू चेकअप, चेकअप करवाना, आगे चाहे अगर आप चाहो तो हिमसेल्फ लिख दो, इतना लिख दिया आपने तो वो बात होगी, सो द स्टूडेंट्स हु वांट टू चेकअप हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ठीक है, या चेकअप, so the students who want to check up, आगे लिखा give, give क्या their names, give their names to the किसको, to the under, to the under sign by, अब यहां 25 तारीख को है आपने 23 तारीख को ले लिया होगा ना, टू द 22 जनवरी 2020, बात क्लियर है, यानी आपने 23 तारीख के नाम ले लिए तो फिक्स हो गया आपके नाम, इतनी बात हो गई। अब आप चाहते तो ये तो नाम वाली बात नहीं कहते तो भी चल जाती, तो आप क्या कहते, सो अतः द स्टूडेंट्स हु वांट टू चेक अप, अतः विद्यार्थी जो क्या चाहते हैं अपना चेकअप का चेकअप करवाना चाहते हैं, अपना सब कुछ छोड़ दिया चेकअप करवाना चाहते हैं क्या करें, पर आगे मैं दूसरा लिख रहा हूं ओब्लिक लगा करके, कहां से गिव के बाद का, ठीक है ना, ओब्लिक क्या प्रेजेंट, प्रेजेंट इन द स्कूल, प्रेजेंट इन द स्कूल वो क्या हो, विद्यालय में उपस्थित हो। अब बात ठीक से कितने बजे वो बात रिपीट कर लो, या तो क्या कर लो रिपीट कर लो, या फिर आप दिन को रिपीट ना करके अगर दिन आपने पहले कह दिया आप इतना छोड़ दो प्रेजेंट इन द स्कूल, या फिर आप कह दो इन टाइम, इन टाइम का क्या होता है समय में, समय नहीं समय रहते हुए, ऐसा नहीं डॉक्टर साहब पास जाने वाले हैं साहब साहब रुको 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 मैं भी आ रही हूं घर अभी सर पड़े पाओ लोगों, ये नहीं, ठीक है ना, क्योंकि संडे तक हम कह दिया कि भाई आज संडे है वैसे ध्यान रखना, तो वो हर काम निर्देश समय पर पहुंच जाए, तो यानी या तो इतनी बात कर दो या फिर ये बात कर दो। अब तू मेरी बात सुन, अब सुनो कि देख स्टूडेंट्स यहां देख रहे हैं स्टूडेंट्स के बाद में स्टूडेंट्स से लेकर के यानी 20 का बचा नहीं, ये अपने आप एक अलग वाक्य है, ये अपने आप में एक अलग वाक्य है, और द स्टूडेंट्स गिव देयर नेम्स ये अलग वाक्य है, तो ये वाक्य कैसे बने हुए थे, जैसे मान लीजिए कि सुन ले द स्टूडेंट्स गिव देयर नेम्स टू द अंडर साइन बाय 23 जनवरी 2020, ठीक है, फिर दोबारा मैं जैसे कहा क्या बहुत से लिख क्या होता द स्टूडेंट्स वांट टू चेकअप, वांट टू चेकअप, आप तो 10th क्लास में याद करें, क्या पढ़ाएगा वो प्रिंसिपल क्लोज
और क्या सबऑर्डिनेट क्लोज, और प्रयोग बताया होगा किसका, हु का, किसका प्रयोग बताया होगा, हु का। तो यानी आप देख ये तरह से मान के चल कि एक वाक्य तो ये है जो मैंने पीछे छोड़ दिया ना इसको, ये तो अटक गया वाक्य, और एक वाक्य तरह कहां खत्म हो रहा है, यहां तक, ठीक है, कहां से, स्टूडेंट से। अब पहले वाले वाक्य में स्टूडेंट, दूसरे वाक्य में क्या, स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है कि यहाँ चेकअप करना कौन चाहते हैं, स्टूडेंट। तो पहले वाले स्टूडेंट यानी जो जोड़ने के लिए बता रहा हूँ, पहले वाले स्टूडेंट ले लिया पहले सेंटेंस यानी प्रिंसिपल क्लोज का नाउन ले लिया हमने, दूसरे वाले वाक्य का जो नाउन है, जो सेम नाउन है दोनों, सेम नाउन क्या कर दिया, अड़ा दिया, उसके साथ क्या लगा दिया, हु, और शेष सबऑर्डिनेट क्लोज यानी वो प्रिंसिपल क्लोज है, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो पहले क्या लगाते हैं, शेष सबऑर्डिनेट क्लोज, फिर बाद क्या लगाते हैं, शेष प्रिंसिपल क्लोज, समझ रहे हो। तो यानी अपने ये जो वाक्य पागल नहीं, ये वाला वाक्य ये बीच में आगे घुसता है एक तरह से, ठीक है। तो अपने आप में दो वाक्य है, कौन कौन से, द स्टूडेंट्स गिव देयर नेम टू द अंडरस्टैंड बाय यहां तक, और एक वाक्य क्या है, द स्टूडेंट वांट टू चेक अप, समझ आया कुछ बात। तो ये एक क्लोज का वाक्य होता है, तो इसमें गलत करने की जरूरत नहीं है, ये जो गिव है ना ये अलग से नहीं आया कहीं से, यही वाक्य का ही भाग बना है, पहले दूसरा वाक्य था अपने आप में, ये गिव आया किसके अनुसार से है, इसके अनुसार से, क्योंकि यहाँ वाक्य किसका बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लुरल था, इस कारण से क्या लगाया, गिव लगाया, याद आता है कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बात इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, मेडिकल चेकअप कैंप की। तो मेडिकल चेकअप में ये बात बतानी होती है हमें, जो सूचना हमें देनी होती है वही लिखनी होती है, बात क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं विद्यार्थी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो और ये नहीं, क्लियर। तो एक भाषा के पीछे दौड़ो मत, वो अलग बात है कि मैं इसको चार से पांच तरीके से और बना दूं, भाषा है अपनी, बनाते रहो बनाते रहो, तो ना भाषा में रचना नहीं है। हाँ, और किसी को भूलना है इसमें, इसमें किसी को कुछ भूलना है, ठीक है, मिटा दूं, कुछ उतारना है इसमें, किसी को कुछ उतारना है, सचिन उतार रहे चपाए, उतार रहे जी, तो जा, अरे मेरे याद क्लियर है। तो यही अब देखो दूसरा ग्राम बनाते हैं, दूसरा मार्क किसका था, एक मिनट एग्जामिनेशन फीस के अलावा बताओ दूसरा क्या था, हाँ, द स्टेट लेवल, द स्टेट, हाँ, द स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट का था, और वो किसके लिए था, जो हमारी टीम है उस टीम को क्या करना था, हमें सपोर्ट करना था, समझ रहे हो, टीम को क्या करना था, सपोर्ट, याद कर रहे हैं, तो देखो एक मिनट। अब हमारे इसके अंदर हमें क्या क्या चीज बदलनी है, इस बात को समझो, ऑल द स्टूडेंट्स, वही सभी विद्यार्थी होंगे क्योंकि स्कूल की बात, ऑल द स्टूडेंट्स आर इनफॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, दैट एयर बाई इसके द्वारा, दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, सुन तक क्या लगाए, द स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट। तो यानी मेडिकल चेकअप को उठाया और इसके स्थान पर हमें क्या लिख दिया, हमें क्या लिख दिया अभी, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, द स्टेट से लेकर के फुटबॉल टूर्नामेंट लिख दिया। अब आपने ये बात बता दी कि हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, दिनांक आपने फिक्स कर दी कि एक दिनांक है इस तारीख को इतनी बजे, और वह मैच जो है उसका स्टार्ट होने का भी टाइम फिक्स होता है और खत्म होने का भी फिक्स होता है, बात ध्यान रखना। आपने देखा होगा कि मैच होते हैं, मैच में आपने को टाइम 10 है, पहले हाँ, तो क्या हो गया, तो छोड़ना, तू टोपी का नाम है, कोई नहीं, तो क्या हो गया, टू ऑर्गेनाइज ए, या ए के लिए मैं इस वेलकम ए, या ए आएगा अपना, ठीक है ना,
अरे तो ये टॉपिक ये पूरा अपने आप में पॉइंट है, टॉपिक का नाम है, इस टूर्नामेंट से मतलब नहीं है, ये पूरा क्या है टॉपिक है, टूर्नामेंट सब का महत्व नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक का नाम है, विषय का नाम है। तो ये हो गया, फिर आप क्या लिखी दिनांक लिखी दिल्ली का, और कितने बजे वो शुरू होगा टूर्नामेंट और कितने बजे खत्म होगा, इतनी बात कह दी। अब आप प्रेशर को समझो, सूचना किसके लिए दे रहे हो आपको कि आपके विद्यालय जो टीम है वो उस मैच को खेलने वाली है और आप उसको क्या करेंगे सपोर्ट करेंगे। तो देखो सपोर्ट करते हैं, तो यानी यहां तक की बात हो गई। तो द स्टूडेंट्स हु वांट टू क्या, अब यहां चेकअप था, चेकअप को हटाओ, हु वांट टू क्या सपोर्ट, हु वांट टू सपोर्ट क्या चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें। अब यार नाम उन्हें नाम वगैरह कुछ तेरे का उसका नहीं है, अभी हु वांट टू सपोर्ट द स्टूडेंट, हु वांट टू सपोर्ट टू द स्कूल टीम, टू द स्कूल टीम। अब मैं एक बात और सुनो, अगर हम चाहे तो इसमें एक बात जोड़ सकते थे, पहले एक बात कि क्या ये बात नहीं थी कि विद्यालय इसका आयोजन करने जा रहा है, इतनी तारीफ करने जा रहा है, और आगे से भी एक बात जोड़ देती है क्या, जैसे इसके पहले मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ बात लिख रहा हूँ। सो द स्टूडेंट्स हु वांट टू सपोर्ट टू द स्कूल टीम प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन द या फिर इन द रखो इन द स्कूल, इन द स्कूल, इन द स्कूल टिल या फिर इन टाइम रख दो आप, इन टाइम समय पर, ठीक है। अब यहां आपने ये तो कह दिया कि द स्टूडेंट्स हु वांट टू सपोर्ट जो कहना चाहते हैं सपोर्ट करना चाहते हैं टू द स्कूल टीम विद्यालय की टीम को प्रेजेंट उपस्थितों में इन द स्कूल विद्यालय में इन टाइम समय पर, ठीक है। अब एक सूचना हमने दी कि हम चाहते तो पहले बात कह सकते थे कि आवर स्कूल, यानी मैं इसकी पहले बात करो भैया, ठीक है ना, इसके पहले भी शायद लिख रहा था कि आवर स्कूल टीम, यानी हमारे विद्यालय की जो क्या है टीम जो है आवर स्कूल टीम विल प्ले कहेगी क्या, विल प्ले द फाइनल मैच, फाइनल मैच कहेगी और किसके साथ कहेगी विद, हम क्या करेंगे यहां पर एक स्कूल का नाम लिख देंगे विद स्कूल और स्कूल का स्थान, क्योंकि वहां टीम का नाम नहीं है, वहां स्कूल का ही नाम टीम अपने आप में, ठीक है ना। तो लिख दिया हमने, ये बात हम बाद में कहेंगे और बस आपने क्या हो गया नोटिस तैयार हो गया। तो बात को समझो कि हमें किसके लिए क्वेश्चन क्या चाहता है उसके अनुसार चलो, ये नहीं भेड़ चाल चलना है, आपने तो बनाया था ऐसे ही हम भी नहीं बना सकते क्या, वो वाली बात नहीं, मैंने क्या बनाया था मैंने किसके अनुसार बनाया था वो उस चीज को बोल दो आप, ओके। उदाहरण है सचिन देखे यहाँ कोई पापड़ी में बीमारी से बना के लिए गया है ना इसको, ना कि लिखना, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि एग्जाम में कौन सा नोटिस आ सकता है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आपको मेरा टारगेट है कि इतना क्या लिखाना है आपको इतने नोटिस लिखवाए, मेरा टारगेट था क्या अपने क्या करना है डैश वर्क सोल्व करनी है, इसलिए डैश वर्क में अगर दो क्वेश्चन और भी होते तो और भी हम लिखते। यहां तक क्लियर है सबका, मेडिकल चेकअप का ध्यान रहेगा आगे कि वो मेडिकल चेकअप में क्वेश्चन क्या चाह रहा है और दूसरा क्या फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हमें भाषा का प्रयोग करना है, क्वेश्चन के अनुसार हमारे उत्तर को हमें बदलना है। अब एक बच गया हमारा क्या फीस वाला, बता दूं
अब देखिए यहां पर आगे कहां तक काम चलेगा, तो वो भी देखो आप समझे चीज को, मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि अपना जो टारगेट है ना वो ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को पढ़कर के उत्तर सोचें, ये नहीं कि पहले क्या याद कर रखा है, बस आपको ये ध्यान रखो कि नोटिस लिखा कैसे जाता है, बस इस बात पर ध्यान रखो, ये नहीं कि ओ मैं वहां पे याद करी थी भूत मेरी हूँ, क्योंकि ये भूलने वाला काम है माइंड से निकालो सबसे पहले, ठीक है ना। तो कह रहे क्या ऑल द स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका जो था क्या फीस के लिए क्वेश्चन क्या, कभी अपना क्वेश्चन क्या था एग्जामिनेशन फीस के डिपॉजिट के लिए ना, यानी टॉपिक था हमारा क्या एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। तो देखो अब यहां क्या करें कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड हियर बाय, सभी विद्यार्थियों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है दैट की बोर्ड दैट की द बोर्ड 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 एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स फोर विल बी सबमिटेड बाय एग्जाम कब भर जाते हैं फोरम, सितंबर में है ना, अगस्त में जो भी है, फॉर्म्स विल बी सबमिटेड बाय 5 सितंबर 2020। तो यहां तक क्या काम है द बोर्ड एग्जाम्स फॉर्म, यानी बोर्ड एग्जाम की जो क्या है फॉर्म जो है विल बी होंगे क्या सबमिटेड, सबमिट होता है जमा करना, सबमिटेड जमा किए जाएंगे बाय 5 सितंबर 2020 यानी सबमिट कर लिए जाएंगे दे दिए जाएंगे, यानी जो बोर्ड जो ऑनलाइन है या जो जैसे ही पढ़ना है तो कह रहे हैं क्या कर जाएंगे बोर्ड के जो फीस जो बोर्ड एग्जाम की जो फॉर्म है वो 5 सितंबर 2020 तक कर दिए जाएंगे सबमिट कर दिए जाएंगे। अतः सो द बोर्ड बोर्ड क्लासेज डिपॉजिट यानी जमा करावे या गिव देवे देयर एग्जामिनेशन फीस फीस बाई कब तक 5 तारीख तक की फॉर्म भरना है तो आप 2 सितंबर तो क्या कहा सो द बोर्ड क्लासेज यानी जो बोर्ड की जो क्लासे हैं अब हमने मेंशन नहीं किया कौन कौन सी बोर्ड क्लासे हैं सो द बोर्ड क्लासेज डिपॉजिट यानी जमा कराएं या गिव देवे देयर एग्जामिनेशन फीस उनकी क्या एग्जाम परीक्षा की फीस परीक्षा शुल्क बाय 2 सितंबर 2020 यानी 2 सितंबर 2020 तक अगर अपनी फीस जमा कराना है अदरवाइज लिखना चाहें तो अगर वाइज क्योंकि ये वाली बात लागू नहीं होती यहां पर ये बातें स्कूल वाला आपको सुना नहीं देगा ऐसा क्योंकि स्कूल वाला तो पहले कमांड कर लेगा स्टूडेंट पर पूरा कब्जा रहता है वो अपने फीस मंगवा ही लेता है कंडीशन में ये सूचना कौन देता है नहीं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो विद्यालय को दी जाती है विद्यालय को सूचना देती है कि अगर आपने इस समय तक क्या नहीं की फीस जमा नहीं करवाई तो आपको क्या भरनी पड़ेगी उसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ेगी तो इस बात को आप छोड़ो क्योंकि विद्यार्थी जो है खुद भी और माँ बाप को कहते हैं ना चाहे भूखे मर रहे हो
पर फिर भी बच्चों क्या करेंगे एग्जाम की फीस तो दे ही देंगे, कहीं से भी लाना पड़ेगा, कर्ज भी करवा के चाहे क्यों लगाना पड़ेगा, समझ लो। तो यानी आपका ये अब बिल्कुल इसमें कोई नाम नहीं देना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। अब ये है अगर आप चाहे तो ये फिक्स कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को आप क्या करें फीस जमा करवाएं। जैसे हमने क्या कहा गिव देयर एग्जामिनेशन फीस बाय 2 सितंबर 2022 देन अंडर साइन टू द अंडर साइन हो गया अंडर साइन व्यक्ति को दे दें और फिर आप वो क्या कर देंगे यहां सिग्नेचर और उस व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति का पद, समझ गए। यानी देखो मेरा मैं यहां जो लिखूंगा ना बात को सुन लेना जो भी विद्यार्थी कि मेरा लिखे टारगेट के मैं आप सब विद्यार्थियों कॉमन मान लिखता हूं और आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं मेरे टैलेंट के अनुसार और मेरी शक्ति के कर रहा हूं बेहतर लिखने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको क्यों दिया कल वरना मेरे को पता था कि मुझे करवाना तो है ही, मैं आज करवाया हूं तो आज क्वेश्चन दे सकता था आपको, तो मैंने आपको कम से कम चांस दिया, आपको अपने आपको चेक करने का चांस दिया कि हाँ आपने देखा कि मैं इतना लिख सकता हूं और मेरा यहां तक सही था, मेरी गलतियां ये हुई थी उस समय और ये गलतियां होने का मेरा ये कारण था, समझ लो। वरना तो मैंने आपको एक पहले क्या कर दिया फिक्स भी कर दिया था, एक अपना क्या था फिक्स भी था, पर बस वो फिक्स कहां लागू नहीं हो रहा था इस एग्जामिनेशन फीस वाले नोटिस पर लागू नहीं हो रहा था। यहां तक बात क्लियर है सबको। अब बचे हुए जो विद्यार्थी हैं वो अपना क्या करें चेक करें। हाँ लॉस्ट और फाउंड के लिए एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं, तो क्या होता है हमारे विद्यालय में किसी कोई चीज गुम गई आप उसमें क्या देना चाहते हो विद्यार्थी को देना चाहते हो, तो देखो एक बात सुनो ये तो एग्जामिनेशन हाँ नहीं पर्सन पर्सन बताऊं क्या ऐसे ही बता दो ऐसे ही पर्सन बताऊं देखो पर्सन लिखो देखो फिर हम कल ही इसको चेक ही पहले करेंगे आप क्वेश्चन को करो क्वेश्चन मोड डाउन करो ना यू आर सचिन द स्टूडेंट ऑफ यू आर सचिन द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास सेक्शन बी SECTION सेक्शन बी फुलिस्टो you lost your English passbook somewhere in the school draft a notice to inform the school students mentioning mention a suitable reward for store बैठ करके बनाओ 5 मिनट मेरे पास अभी।
हवा पानी बना भी टाइम टाइम चीज टाइम हुआ भी अब यहाँ बात हो रही थी कि क्या हमारे एक विद्यार्थी से क्या हो गई पासबुक हो गई क्या हो गई पासबुक ठीक है तो पासबुक हो गई तो आपका पहले तो आपको क्या बनाना हो गई आपकी संस्था का नाम दिनांक और नोटिस सब नीचे लिख रहे हैं लॉस्ट लॉस्ट क्या लिखना ओनली लॉस्ट सब लिख रहे हैं क्या अगर आप चाहें तो क्या लिखते वहां लॉस्ट एंड इंग्लिश पासबुक करेंगे टाइटल में लॉस्ट एंड इंग्लिश पासबुक या ओनली लॉस्ट सब दोनों से एक चीज लिखेंगे फिर हम क्या करें ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म हियर बाय दैट सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आई मिस्ड मैंने क्या कर दिए मैं चूक गया हूं भूल गया हूं आई मिस्ड माई पासबुक हाँ चलो मैं इंग्लिश पासबुक रोड़ा मेरे देता हूं ना तो इंग्लिश पासबुक में लिखती पहले आई मिस्ड इट मैंने इसे कहीं पर क्या मैं इसे क्या कर चुका हूं कहीं पर भूल चुका हूं आई मिस्ड इट समवेयर समय यानी कहीं पर इन द स्कूल मैं इसे कहीं क्या हो गया हूं विद्यालय में कहीं पर भूल गया हूं तो द फाउंडर द स्टूडेंट हु स्टूडेंट हु फाउंड या फाइंड्स क्योंकि मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट द स्टूडेंट हु फाइंड्स इट द स्टूडेंट फाइंड्स इट रिटर्न टू मी who finds it return to me मुझे क्या करे लौटाए found the founder well founder will be पाने वाला will be rewarded क्या कह जाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा will be rewarded a क्या अब कुछ लिख दो आप ए पेन विल बी द फाउंडर विल बी रिवार्डेड ए पेन फिर वही हस्ताक्षर किसका जिसने सूचना जारी किए सूचना जारी करने वाला कौन होगा जिसका नाम हमें क्वेश्चन में लिखा है नाम कौन है सचिन और सचिन कौन है नीचे लिखेंगे उसे क्या ट्वेल्थ क्लास का इंटरेंस सेक्शन वगैरह लिख करके तो बोलो सारी सूचना हो गई नहीं होगी अपनी तो भाषा इजी से इजी प्रयोग करो I missed it. मैंने इसे खो दिया है somewhere कहीं पर in the school विद्यालय में अब देखो भाई साहब सुन लो who से लेकर के मुझे बता सकती है कि कहां तक इस who वाला वाक्य है तो अब मुझे बताइए वाक्य सही है क्या यहां देख मैं इसकी बात बोल रहा कर रहा हूं यहां स्टूडेंट है इस बार पहले हमारे पास में स्टूडेंट था इस बार स्टूडेंट है इसका मतलब यहां ये जो वर्ब है ये भी हमारे क्या होनी चाहिए सिमिलर होनी चाहिए द स्टूडेंट हु फाइंड्स तो यहां पर फाइंड आना चाहिए फाइंड्स होगा तो स्टूडेंट हु फाइंड्स इट रिटर्न्स क्या करें रिटर्न्स या फिर द स्टूडेंट हु फाइंड्स इट The student who finds it returned to me.
यहाँ देखो एक मिनट, ये रिटर्न ही रहेगा, यानी या इस वाक्य में प्लीज भी छोड़ दी क्या, रिटर्न टू मी प्लीज, कहते हो क्या करें मुझे वापस लौटता है, यहाँ पर ये वाक्य क्लोज करेगा इस बार, ठीक है ना। तो द फाउंडर यानी पाने वाला विल बी रिवार्डेड, इसका क्या जाएगा पुरस्कार दिया जाएगा, क्या इफ है, ठीक है। तो लॉस्ट वाला हो गया, फाउंड वाले में क्या हो जाएगा, इस प्रकार भाषा बदलते हुए अगर कोई ये लॉस्ट का है फाउंड का, तो क्या कहते हैं कि मैंने मुझे विद्यालय में कहीं पर विद्यालय में पिछले दिन ये चीज मिली है, जिसकी भी है वह पक्के सबूत के साथ क्या करे मुझसे मिले, यानी जस्ट आखिरी से मिले, थ्री सेंटेंस आपका बनाने का काम है उतारने, ठीक है।